रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं पानी वाले पकोड़े, जिसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें ली हैं, जी सबसे पहले हमने तकरीबन 250 ग्राम बेसन ले लिया है। तकरीबन एक पाव के करीब ये बेसन है, ये हमने ले लिया है। इसमें हम 100 ग्राम आलू शामिल करेंगे। इनको हमने अच्छी तरह छील लिया, धो के रख लिया है। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही इस बेसन में हम तकरीबन 3 से 4 पंच मीठा सोडा शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम अब आलू ग्राइंड कर लेंगे, इसका मिक्सर तैयार कर लेंगे। इसको बारीक बारीक काट के ग्राइंडर में शामिल कर लेंगे। ये मानसून का मौसम चल रहा है, बारिशों का मौसम है, इन दिनों में इन चीज़ों का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे और इसमें हम जर्दा रंग भी थोड़ा सा शामिल करेंगे। इसमें हम ये फूड कलर लिक्विड है मेरे पास, ये हमने शामिल कर दिया येलो कलर। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये हमारा ये मिक्सचर, आलू वाला मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके अब बेसन में शामिल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था, उसका बैटर तैयार किया है, वो हमने इसमें बेसन में शामिल कर दिया। अब इसको इतना हमने इतना पतला सा रखना है। अब हम इसके साथ पानी तैयार कर लेते हैं, जो खट्टा हमने तैयार करना है पकौड़ों के लिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड पर करते हैं और खट्टा रेडी कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, पकौड़ों के लिए हमने अब जो खट्टा तैयार करना है, उसके लिए हमने इमली ले ली थी 125 ग्राम। इसको मैंने सुबह भिगो लिया था 2 घंटे के लिए। अब इसका पल्प निकाल लिया, इसका पानी हमने तकरीबन 2 ग्लास के करीब इसका पानी ले लिया। पुदीना है, थोड़े से पत्ते पुदीने के हैं, 3 हरी मिर्चें हैं और इसमें जो मसाले डालेंगे वो हमारे हमने खट्टा डाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे चंद पत्ते पुदीने के, इनको अच्छी तरह हमने धो लिया था। हरी मिर्चें हैं 3, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब चीनी, यहाँ पे जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, इसमें 1 टीस्पून काला नमक जाएगा और इसमें 1/2 टीस्पून ही जाएगा जीरा पिसा हुआ। अदरक पाउडर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और अपना खट्टा तैयार कर लेते हैं। जी तो फिर ये खट्टा हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने बारीक चॉप किया हुआ था, ये अब शामिल कर देंगे इसमें। जी तो फिर ये देख सकते हैं आप, अब हम इसमें बर्फ शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एक क्यूब्स हम इसमें डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे खुबानी की चटनी। ये होममेड खुबानी की चटनी है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खट्टा तैयार हुआ है। जी तो आप देख सकते हैं खट्टा रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और अपनी फुलकियाँ तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब हम पकौड़े रेडी करने लगे हैं। हमने ऑयल गर्म कर लिया, अब हम इसमें ये डालेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये फुले फुले से पकौड़े तैयार हुए हैं हमारे। इनका कुक टाइम जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट है। फर्स्ट टाइम में आपने इसको डाल के 3 मिनट के लिए कुक करना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है आपने। आप देख सकते हैं ये हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, बड़े ही सॉफ्ट से पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। अब इस हम सारे पकौड़े रेडी कर लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये खट्टा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े जो रेडी हो गए थे वो शामिल करेंगे। ये पकोड़े हैं, ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने,
बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक क्रिस्पी बने। अब हम ये इस खट्टे में शामिल कर देंगे। तो व्यूज आप देख सकते हैं ये पानी बड़ी हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं तोड़ के कितने सॉफ्ट बने हैं। देख सकते हैं आप ये कितने सॉफ्ट बने और कितने नरम हो गए हैं पानी में शामिल करते ही। अब हम आपको इसको खा के बताते हैं कैसे बने। बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मज़ा आ गया जी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।